तो ये है फायरबोल्ट इन्फिनिटी लक्स स्मार्ट वॉच, जो कि मेरे पास 2 दिन पहले ही आ चुका था, बट अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर सेल चल रहा था, तो सेल से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था, इसलिए ये जो है लेट हो गया। तो आज के वीडियो में बात करेंगे इस वॉच के बारे में। तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर जो स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाता है, एक चार्जिंग केबल दिया गया और हमेशा की तरह यहाँ पर आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यूज़र मैनुअल और सब्सक्रिप्शन कार्ड वगैरह। और ये है पुराना वाला फायरबोल्ट इन्फिनिटी और ये जो है नया वाला फायरबोल्ट इन्फिनिटी लक्स है, और इन दोनों ही वॉचेस में जो है यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो थोड़े लोगों को क्या है ना यहाँ पर डाउट रहता है कि दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या, कौन सा अच्छा है वगैरह वगैरह। तो दोनों में है ना कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस जो पुराना वाला है ना उसमें सिलिकॉन स्ट्रैप है और नए वाले में यहाँ पर मेटल स्ट्रैप है, तो नया वाला जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम दिखता है, लेकिन फीचर्स वगैरह के मामले में या फिर डिज़ाइन के मामले में जो है कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये रहा हमारा फायरबोल्ट इन्फिनिटी लक्स स्मार्ट वॉच, जो कि दिखने में तो काफ़ी प्रीमियम सा ही लग रहा है। इसका जो डायल है ना मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो सबसे पहले जो वॉच को हाथ पर पहन के देख लेते हैं, तो सही में इसका डायल साइज जो है थोड़ा सा बड़ा है मेरे हाथ पे, तो जो है थोड़ा सा बड़ा ही लग रहा है वॉच, तो थिन हैंड्स पे बिल्कुल भी सूट नहीं होगा ये। और ये मेटल स्ट्रैप का क्वालिटी भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, बाकी आप इसे छोटा करा सकते हो किसी भी वॉच के शॉप में जाके। और इसका रेस्ट टू एक फीचर भी जो है काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले जो है काफ़ी इंस्टेंटली ऑन हो जाता है। और एक फीचर मुझे वॉच का जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, वो यहाँ पर जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। यहाँ पर आप जो है सेटिंग में आके स्क्रीन ऑफ टाइम को जो है ऑलवेज पर सेट करते हो ना, तो डिस्प्ले जो है ऑफ ही नहीं होता है वॉच का, मतलब आप जो भी वॉच फेस लगाओगे ना वो कंटिन्यूसली ऑन ही रहेगा इसमें। बट इससे जो है यहाँ पर वॉच का बैटरी भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा ड्रेन होगा, तो इस बात को भी ध्यान में रखना। और वॉच तो काफ़ी सही है लुक्स के मामले में और दिखने में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखता है ये, लेकिन वॉच का जो डायल है ना वो थोड़ा सा बड़ा है और साइड से भी जो वॉच थोड़ा सा मोटा लगा मुझे। बाकी इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आपको यहाँ पर पूरा मेटल बॉडी मिलता है और इसका स्ट्रैप भी जो है पूरा मेटल का ही है, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा जो है हैवी भी है स्मार्ट वॉच। एंड इसमें जो आपको साइड में 3 डिफरेंट बटन मिल जाते हैं, ऊपर वाले बटन से यहाँ पर आप जो है वॉच के मेन मेन्यू में जा सकते हो, और जो बीच वाला बटन है उससे यहाँ पर आप जो है डिस्प्ले को ऑन और ऑफ कर सकते हो। और ये जो है ना एक रोटेटिंग बटन भी है, तो इसे रोटेट करके यहाँ पर आप जो है वॉच फेस चेंज कर सकते हो या फिर मेन्यू में स्क्रॉल कर सकते हो। एंड जो नीचे वाला बटन है वो यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स मोड के लिए एक शॉर्टकट बटन है। बाकी पीछे की तरफ तो आपको यहाँ पर जो है सभी सेंसर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और इसमें जो है डिटैचेबल स्ट्रैप का भी ऑप्शन है, तो बाद में अगर आपको स्ट्रैप चेंज करना है तो आप कर सकते हो इजीली। और इसमें जो है यहाँ पर डिस्प्ले पर बेजल्स भी जो है ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले पर एक डायल है ऊपर की तरफ इसलिए। बाकी ये जो है यहाँ पर एक 1.6 इंच का जो एक HD डिस्प्ले है, जिसमें 400x400 पिक्सल का रेजोल्यूशन है, और इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है ना सही में काफ़ी अच्छा है, कलर्स आपका यहाँ पर जो है काफ़ी डार्क और काफ़ी वाइब्रेंट देखने को मिलते हैं डिस्प्ले पर। इतना ही नहीं, वॉच का जो है यहाँ पर टच रिस्पॉन्स और UI है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, वॉच यहाँ पर जो है काफ़ी स्मूथली वर्क करता है, लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है वॉच को यूज़ करते टाइम। और वॉच में इनबिल्ड ही आपका यहाँ पर जो 100 से भी ज़्यादा वॉच फेस मिल जाते हैं, तो बार बार जो इसका ऐप यूज़ करने का भी ज़रूरत नहीं है वॉच फेस चेंज करने के लिए। और इसमें आप जो अपने गैलरी के फोटोज़ भी जो है वॉच फेस की तरह लगा सकते हो। और इसमें जो है यहाँ पर 4GB का स्टोरेज भी है वॉच में, जिसमें यहाँ पर आप जो है सॉन्ग्स वगैरह स्टोर करके रख सकते हो। और वॉच में यहाँ पर जो है सॉन्ग ट्रांसफर करने के लिए सिंपली जो बॉक्स में चार्जिंग केबल है ना, तो उसे आप जो अपने PC में जो है कनेक्ट करके यहाँ पर आप जो सॉन्ग्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो स्मार्ट वॉच में। एंड वॉच के साथ अपने जो ईयरबड्स को कनेक्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पर आप जो है म्यूज़िक कंट्रोल वाले ऑप्शन में आ जाना, यहाँ पर आपको जो है नीचे की तरफ एक हेडफोन का जो है आइकन दिखेगा, तो उस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको जो है TWS मोड नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, तो उसमें आओगे तो यहाँ पर आपको जो अपने ईयरबड्स का नाम दिख जाएगा, तो उस पर क्लिक करके सिंपली यहाँ पर आप जो अपने ईयरबड्स को कनेक्ट कर सकते हो स्मार्ट वॉच से। और देखिए तो इसमें आपको यहाँ पर जो है 300 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं अपने एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए, लेकिन इसका जो स्पोर्ट्स मोड का एक्यूरेसी है ना वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, डिसेंट है। मैं जो यहाँ पर 100 स्टेप्स जो है चल कर आया था, तो वॉच ने यहाँ पर जो है 48 स्टेप्स को ही काउंट किया। बाकी इसमें यहाँ पर जो है हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2, इवन ब्लड प्रेशर मॉनिटर का भी ऑप्शन है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सब फीचर्स जो आपके पास एक आइडिया के लिए होते हैं, तो कम्प्लीटली जो आप रिलाई नहीं कर सकते इन पर। और इसमें जो है यहाँ पर कॉलिंग का भी फीचर है, इसमें आपका यहाँ पर जो है डायल पैड मिल जाता है, तो नंबर वगैरह डायल करके यहाँ पर आप जो है डायरेक्टली किसी को भी कॉल कर सकते हो वॉच से। कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट को यहाँ पर आप जो है सेव करके भी रख सकते हो इसमें। इवन रिसेंट कॉल का ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है, तो रिसेंटली आए हुए कॉल्स वगैरह भी यहाँ पर आप जो है वॉच में ही चेक कर सकते हो। बट इसमें आपका यहाँ पर जो है वॉच को म्यूट पर रखने का ऑप्शन नहीं मिलता। और देखे तो कुछ बेसिक से फीचर्स है इसमें, जैसे कि स्लीप मॉनिटर हो गया, कैमरा और म्यूज़िक को यहाँ पर आप जो स्मार्ट वॉच से कंट्रोल कर सकते हो, वेदर अपडेट भी यहाँ पर आप जो स्मार्ट वॉच में चेक कर पाओगे, और इसमें जो यहाँ पर कैलकुलेटर का भी ऑप्शन है, 5 डिफरेंट गेम्स मिल जाते, तो टाइम पास वगैरह के लिए यहाँ पर आप जो है गेम्स वगैरह प्ले कर सकते हो इसमें। एंड इवन इसमें आपको यहाँ पर जो है अलार्म टाइमर और स्टॉप वॉच का भी ऑप्शन मिलता है, एंड अलार्म को यहाँ पर आप जो डायरेक्टली स्मार्ट वॉच से जो है सेट कर सकते हो। एंड नोटिफिकेशन वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छे से आ रहे थे स्मार्ट वॉच में, 4 से 5 लाइन तक का मैसेज यहाँ पर आप जो है वॉच में ही पढ़ सकते हो, एंड कॉल नोटिफिकेशन भी आपको जो इसमें मिल जाएगा। बाकी बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो वॉच आपको जो है 4 से 5 दिन तक चल जाएगा नॉर्मल यूज़ पर, एंड 1 से 2 दिन तक आपका यहाँ पर जो है बैटरी बैकअप मिल जाएगा कॉलिंग के साथ। एंड अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका लॉन्चिंग प्राइस जो है 3,500 रुपये था, और अभी फिलहाल भी जो है 3,500 रुपये में मिल रहा है आपको अमेज़ॉन पर ये।
एंड इसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो किसी को ये वॉच चेकआउट करना है तो कर सकता है। एंड ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर जो स्मार्ट वॉच के बारे में बात करें, तो स्मार्ट वॉच दिखने में अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है इसका, एंड डिस्प्ले वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है इसका। बट इसका जो एक्यूरेसी है ना वो डिसेंट लगा मुझे, और इसका जो ऐप से कनेक्टिविटी है ना वो भी डिसेंट ही है। तो इसका ऐप जो है मुझे उतना पसंद नहीं आया, बस इसका ऐप से इसका कनेक्टिविटी और एक्यूरेसी जो मुझे डिसेंट लगा। बाकी स्मार्ट वॉच में जो जो भी चीज़ें हैं सभी काफ़ी बढ़िया है। तो 3000 रुपये के अंदर आप जो है काफ़ी प्रीमियम लुकिंग स्मार्ट वॉच देख रहे थे ऑफिस यूज़ के लिए, तो इसे एक बार चेकआउट कर लेना। एंड बस यही था दोस्तों आज का वीडियो, आई होप कि आपको जो आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड वीडियो पर जो कमेंट्स वगैरह काफ़ी कम आते हैं, तो कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसा लगा। एंड इस वॉच के बारे में और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना,